अरे इतनी शिद्दत से इंतजार करती ना तो कयामत भी आ जाती, लेकिन ये पैसे तो आ ही नहीं रहे। खैर देखो फिरोज ना बहुत गुस्से वाला है, कहीं गुस्सा आ गया ना तो डील ही ना कैंसिल कर दे। लीजिए रुपए आके। सलाम वालेकुम। याद आया मैं हसीना? जानती हूँ। पूरे हैं, गिन लीजिए। वैसे तो आप पे भरोसा है, पर क्या है ना पैसों का मामला है, थोड़ी तसल्ली कर ही लेनी चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। इन पैसों पे मेरा भी हक है। मैं हर चीज पर आपका हक सबसे पहले। तो मैं अपने हिस्से के पैसों के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है मैं, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, पर आप याद रखिए अगर आप फिर उसको ये रिश्वत देंगे तो मैं उसके खिलाफ भी गवाही दूंगा। और जब अदालत को पता चलेगा कि मिस्टर राशिद अहमद खान रिश्वत लेकर बाहर निकले तो उनके अगेंस्ट ये केस और स्ट्रांग हो जाएगा। अमी मैंने आप ही से सीखा ईमान पर चलने के लिए चाहे कितनी भी बड़ी कीमत देनी पड़े इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। और आज आप खुद अपने अल्फाज भूल रही हैं, हमें ये लोग आपके पैरों की धूल भी नहीं है। रीजन के बराबर खड़ी मत हुई, मैं आपका गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। भाईजान तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा उन्हें अपना ईमान अजीज है। पर मुझे तो तुम जानती हो ना, अपनों की मोहब्बत और उसूलों में से मैंने हमेशा अपनों की मोहब्बत को चुना। और यकीन जानो इस बार भी राशिद मियां की जिंदगी बचाने के लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार थी। छोटी सी शर्त है मेरी, तुम्हें हुमैरा से निकाह करना पड़ेगा। पर अफसोस कोई और कमजोर पड़ गया। और वैसे भी मैं औरत जात अकेली क्या करूं, ये काम तो बेटों का ही होता है ना। अब देखो अयान ने तुम्हारे सर की कसम खाई थी कि वो राशिद मियां को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, पर कहां कुछ कर पाए। लेकिन उसमें उसकी गलती भी नहीं थी। और वैसे भी असद के खिलाफ खड़ा होना आयान के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि असद ने बड़े भाई की मोहब्बत के नाम पर
आयान को हमेशा दबा कर रखा, कुछ दिल बना दिया उसने आयान को। यहाँ तक कि आयान को हर कदम बढ़ाने के लिए अपने बड़े भाई की बैसाखी की जरूरत पड़ती। हेलो हेलो जोया, जोया असद कहाँ है? वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। Hey Tanvi, I'm not getting you. क्या कह रही हो? हेलो 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 जोया, हाँ क्या बोल रही हो? हेलो जोया, जोया हमें वो गुड़िया मिल गई है। हेलो जोया, जोया इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें वो गुड़िया असद तक पहुंचानी है। See, listen, Tanvi, तुम वही रुकना घर पे, हम लोग अभी आ रहे हैं, अभी निकल रहे हैं। हाँ क्या हुआ? हमें जल्दी घर पहुंचना होगा। लेकिन कैसे, रिक्शा मिली नहीं रही। मिल गया। नगमा थोड़ा जल्दी हो। जल्दी चलाओ ना। भैया आप ही चलाओ ना, आपको चिल्लाना है तो। अल्लाह मियाँ, लाइसेंस ही नहीं है मेरे पास। और दूसरा, मैं तुम्हें नेविगेट कर रही हूँ ना, हमें मिस्टर खान की गाड़ी से पहले वहाँ पहुँचना है। अरे अरे ध्यान से, अरे क्या कर रहे हो? अरे पागल जोया। हाँ सुनो ना। हाँ। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, ये स्कूटी का ओनर अरेस्ट तो नहीं कर देगा ना हमें? डोंट वरी, हमने वहाँ पे स्लिप रखी है ना कि हम उसकी स्कूटी उसी जगह पे खड़ी कर देंगे विद फुल फ्यूल, तो क्यों पकड़ेगा? डोंट वरी। आपके आंसू मुझे कमजोर बना रहे। तुम अपने सच पे कायम रहो और मैं अपने सच पे कायम रहूंगी। ऐसा एहसास दिलाने जैसे जो मैं कर रहा हूँ गलत है, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सही था और कौन गलत। अम्मी आप सच देखना नहीं चाहती। सच वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, वो झूठ है। एक ऐसा झूठ जो सच का लिबास पहन के खड़ा है। सच तो अभी सामने आना बाकी है असद। मेरी जरूर सुनेगा। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर क्या करूं? बोलना तो मुझे पड़ेगा ही ना। सिर्फ आधा घंटा बचा है। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें अपने अब्बू की जिंदगी की जरा सी भी फिक्र। लोग बेटे के लिए दुआ करते हैं क्योंकि बेटा माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है, पर अल्लाह कसम अगर बेटा तुम्हारे जैसा होता है तो मैं तो कहूंगी शुक्र है कि हमारा कोई बेटा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है राशिद मियां कि ये मौत एक हादसा ना होकर एक कत्ल है?
आपने अंजाम दिया है। अब भी आप यही कहेंगे कि वो बेगुनाह है? असद, ये वो रिकॉर्डिंग ही नहीं है जो मैंने सुनी थी ना। वो दो आवाजें थी और बातें कुछ और ही हो रही थी। तुम जरा इसको प्ले करके देखो, आगे कुछ और होगा। असद, आगे कुछ नहीं है अम्मी। आपने वही सुना था जो आप सुनना चाहती थी। सच यही है जो हम सब ने अभी सुना। मिस्टर राशिद अहमद खान एक कातिल है। अम्मी, आपने कहा था कि आपके खुदा ने आपकी सुन ली। बिल्कुल सही कहा था आपने। वही इस गुड़िया को यहाँ लेकर आए ताकि आपकी आंखों पर पड़ा पर्दा हट जाए, आपको सच दिखाई दे कि आपने गलत इंसान से मोहब्बत की। एक गलत इंसान पर भरोसा किया था। शहर के मशहूर बिल्डर राशिद खान के केस ने आज एक नया मोड़ लिया है, जब अचानक उन पर लगे सारे आरोप खारिज कर दिए गए। कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों को एक साजिश मानकर राशिद खान को बाइज्जत बरी कर दिया है। इस वक्त राशिद खान कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। कैसे हो गया? गो। राशिद अहमद खान को सजा दिलाकर रहूंगा। बचाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मैंने अब्बू को बचा लिया। आपने वही किया जो एक सौतेला करता है, और मैंने जो एक सके को करना चाहिए। मुझे पता चला वहां क्या हुआ। मिस्टर खान भी बहुत गुस्से में है। पता नहीं खुदा ने मेरी जिंदगी में सब कुछ आधा क्यों लिखा है। आधा गम, आधी खुशी, आधी जीत, आधी हार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं अपने शौहर की जीत की खुशी मनाऊं या अपने बेटे के हार का गम। मैं सबको कैसे समझाऊं कि राशिद बेकसूर है और उनकी बेगुनाही का सबूत है उस गुड़िया की रिकॉर्डिंग। मैं चलूं? इसे पूछे कि आपको रिकॉर्डिंग कुछ अलग लग रही थी। मतलब मैं समझा नहीं पाऊंगी कि क्या अलग है। जो आवाजें आज हमने गुड़िया में सुनी, अगर वो असली हैं, तो वो क्या था जो मैंने सुना था?
लो रानी नहीं, तनवीर गई है। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। बिल्ली जैसी आंखें होंगी तो बिल्लो रानी ही तो कहूंगी ना। तुम्हारी भी तो सांप जैसी फितरत है, खुद ही सोच ली तुम्हें क्या कहा जाए। अच्छा, हमारी बिल्ली और हमें को म्याऊं, क्या खूब। मुझे जब पता चला था कि तुम असद की पुरानी दोस्त हो, मैं तभी समझ गई थी कि मेरा ये काम सिर्फ सिर्फ तुम ही कर सकती हो। गुड़िया ढूंढने की कीमत। हाय अल्लाह, बखला गई हो क्या बीबी? कुएं को दो बूंदों से भरना चाहती हो? अच्छा, अब क्या गुड़िया ढूंढने के लिए खजाना चाहिए? काम बहुत मुश्किल था। मैं ही जानती हूँ कैसी कैसी चालों से मैं घर वालों को बाहर भेजकर खुद रुका करती थी। अच्छा हाँ, हो जाएगा। सॉरी जानी, हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे। तब तक आप लोग चलिए। मगर फिर भी कोई ना कोई पीछे छूट ही जाता था। यहाँ क्या कर रही हो, इतनी जल्दी में क्यों हो? वहां तुम्हें इतना वक्त लग रहा था और यहाँ मेरी हालत खराब हो रही थी, तभी तुमने मुझे पूरा घर जलाकर राख करने के लिए कह दिया। और जलाना तो दूर, तुमसे उस घर में चिंगारी तक नहीं लगाई गई। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, तभी असद और दिलशाद वापस आए। मुझे अंदाजा था कि दिलशाद आते ही रसोई घर में जाएगी, तभी मैं वहां से जल्दी जल्दी निकल रही थी। पर वो कमबख्त जोया, उसने सारा खेल खराब कर दिया। मेरे पैर में चोट आ गई और असद ने मुझे इस हालत में बाहर जाने नहीं दिया। पर बीबी, मुझे तुम्हारी गुड़िया की खातिर शहीद होने की आरजू नहीं थी, मुझे वो आग रोकनी पड़ी। गैस लीक हो रही है। असद का तमाम गुस्सा उस जोया पर उतरा। बेवकूफी की हद होती, तनु ने कहा भी था कि वो सिलेंडर चेंज कर देगी। नो, बट नहीं, यू हैव टू इंसिस्ट। किसी को एहसास ही नहीं था कि उस जोया ने उन लोगों की जानें बचाई। खेलती बेशक कठपुतली है, लेकिन खेल चलाता वो है जिसके हाथ में डोर होती है। तुम ना होती तो कोई और कठपुतली होती जिससे मैं अपना मकसद पूरा करा लेती। सच्ची, अगली बार बेअदबी करने से पहले इस बात को याद रखना। बिल्लो, तनवीर, रानी। लेकिन बहुत शातिर खिलाड़ी हो तुम, और इसीलिए मुझे पसंद। और आज के दिन मैं तुमसे खफा कैसे हो सकती हूँ? आज तो जश्न मनाने का दिन है, रसिया की जीत का दिन है, मेरी जीत का दिन है। मैं जानती थी कि मेरी बिल्लो रानी की जान जरूर कामयाब होगी। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू बिल्लो? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें इतने अच्छे लोगों के घर में चोरी करते हुए? कितने अच्छे से रखते हैं तुम्हें।
नहीं, चुप रहो तुम। क्या हुआ? इसके मेकअप को देख के तो मुझे पहले दिन से इसके ऊपर डाउट था। और आपको पता है ये मोहतरमा पार्ट टाइम में क्या करती है घर का काम करने के अलावा? ये चोरियां, आपके कबर में से ऑर्नमेंट चुरा रही थी ये। क्या? या ला? नहीं मैं तो। चुप रहो तुम। वैसे मेरी घड़ी भी मिसिंग है। बहुत कुछ गायब होगा नजमा, इसकी तलाशी लेनी पड़ेगी। क्या क्या चुराया तुमने? हाँ बोलो। मैं अभी भाईजान को फोन करती हूँ, वो तुम्हें पुलिस में दे देंगे। मुझे माफ कर दीजिए, गरीब औरत हूँ, लालच के नशे में अंधी हो गई थी। तुम पहले वो सारा सामान लेकर आओ जो तुमने इस घर में से चोरी किया है, समझी? अभी लेके आती हूँ, भागो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। अम्मी, अम्मी आके खोलिए, अम्मी अम्मी आके खोलिए, अम्मी। अबू, डॉक्टर कह रहे थे कि दादी अब कभी भी होश में आ सकती हैं। अबू, दादी तो बस आपके लौटने का इंतजार कर रही थी। अम्मी देखिए, मैं आ गया हूँ, आपका राशिद आ गया। अम्मी आके खोलिए, अम्मी अम्मी किस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं एक बेकसूर होते हुए भी फिर भी सर झुका के उनकी सारी बातें मानता चला आया। वो सर जो सिर्फ उसके सामने झुकना चाहिए था, एक मामूली इंसान के सामने झुकता चला आया। लेकिन अब और नहीं अम्मी, अब और नहीं। अगर गलती मैंने की है तो उसे सही भी मैं करूंगा। हमें आप देखिएगा कि आपका बेटा बुजदिल नहीं है, हिम्मत रखता है दुनिया का मुंह तोड़ जवाब देने की। हमें, हम लोग ये घर छोड़ देंगे, यहां के लोगों को छोड़ देंगे, उनसे हर रिश्ता हर नाता तोड़ देंगे, चले जाएंगे यहां से कहीं दूर। लोगों ने मुझे गुलाम बना के रखा, मुझसे हर गलत काम करवाया और खुद अपने गले में ईमान की तख्ती लटकाए घूमते रहे। अरे आयान ठीक कहता था कि आप लोगों ने घर में हमें घरवाले नहीं बल्कि गुलाम बना के रखा है। आप लोगों ने जेल में मुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया क्योंकि आप मेरा और इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए सुन रही हो शिरीन, तुम्हारा शौहर हमसे कैसे जुबान दराजी कर रहा है? क्या तुम भी भूल गई कि हम खुद इसे तुम्हारी जिंदगी में लाए थे? वरना आज तुम्हारी हालत दिलशाद की जैसी होती और उसकी जगह तुम जीते जी एक बेवा की जिंदगी गुजार रही होती। अरे अगर हम ना होते तो तुम दिलशाद की सौतन कहलाती और तुम्हारे ये बच्चे नाजायज। शिरीन, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने हमें ये जो करते हैं ना भाईजान, वो इस तरह जताते नहीं है। आपने मुझ पर बहुत एहसान किए लेकिन उन एहसानों का बदला मेरे शौहर ने सूद समेत उतार दिया है। आज तक अगर कोई आपके खिलाफ कुछ भी कहता तो मैं कहती नहीं, कि मेरे भाईजान हैं, मुझसे कितनी मोहब्बत करते, कितना कुछ किया है इन्होंने मेरे लिए। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आपने मुझसे मोहब्बत नहीं तिजारत की है। राशिद,
अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। अब मैं भी ये घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। हे, कैसा है तुम्हारे पैर का दर्द? तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। ये फूफी ने तुम्हारे लिए सूप भेजा है। थैंक यू। तनवीर, वो सुबह तुमने पीनट वाली सारी गड़बड़ का ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। अ बिग थैंक्स फॉर दैट। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो। हमें पता था अगर हम सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेंगे तो जैमी हम पर चिल्लाएंगे नहीं। वैसे भी जैमी हमसे कभी नाराज नहीं होते हैं। सूप के लिए थैंक्स। माय प्लेजर। थैंक यू बोलने आई थी। तुम जा रही हो तनवीर? हाँ, जिस काम के लिए आई थी वो तो पूरा हो गया है, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। हमने असद को नहीं बताया है इस बारे में। अगर उन्हें पता चलेगा तो हमें कभी नहीं जाने देंगे। मेरे साथ तो उल्टा करते हैं। जब देखो तब जाने के लिए बोलते रहते हैं। ठीक कह रही हो तुम। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही ना। शक तो हमें पहले ही था, आज तुमने यकीन में बदल दिया। हम पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी सच्चाई ला कर रहेंगे। याद रखना, आप क्या कह रही हैं? हम लोग हम सच कह रहे हैं राशिद। हमने रजिया के खिलाफ जो कुछ भी कहा या किया वो हमारी गलती थी बेटा। हमने रजिया को समझने में बहुत बड़ी भूल की बेटा। ठीक तो कहती थी वो कि ये हमारा घर है, लेकिन अम्मी फिर तुम ही सोचो, कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या? हाँ बेटा, पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।